नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले के 10वीं और आखिरी प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में गैर धातीय अनासर हैलोजन्स, धातु, चंद धातुओं की सनती अहमियत और धातुओं के भरत के बारे में बताया जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन 7वें ग्रुप के 5 अनासर हैं। इन्हें मजमूई तौर पर हैलोजन्स कहा जाता है, यानी नमक बनाने वाले। इन अनासर के 2 रुकनी मरकबात को हेलाइट्स कहते हैं। इन अनासर को 7वें ग्रुप में रखने की बुनियादी वजह इनके एटमों के वेलेंस शेल्स में 7-7 इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी है। आज़ाद हालत में हैलोजन्स 2 एटमी शक्ल में पाए जाते हैं, यानी हैलोजन का 1 मॉलिक्यूल 2 एटमों पर मुश्तमिल है जो आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। चूँकि तमाम हैलोजन्स की खसूसियात तकरीबन एक जैसी होती हैं, लिहाजा किसी भी हैलोजन एटम को कैपिटल एक्स से जाहिर करते हैं। आम दर्जे हरारत और आम दबाव पर हैलोजन्स में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसे हैं, ब्रोमीन माया है, आयोडीन बहुत कम दर्जे हरारत पर पिघलने वाला गैर धाती ठोस अंसर है, जबकि एस्टाटीन तापकार अंसर है जो बहुत कलील मकदार में पाया जाता है। फ्लोरीन हैलोजन्स का पहला रुकन है, आज़ाद हालत में गैसी सूरत में पाई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमल पजीर होने की वजह से दीगर अनासर के साथ मिलकर मुरक्केबात बनाती है जिन्हें फ्लोराइड्स कहते हैं। फ्लोरीन के अहम मुरक्केबात फ्लोरस्पार या कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 और क्रायोलाइट या सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड Na3AlF6 हैं। इसके अलावा दीगर मुरक्केबात की शक्ल में समंदरी पानी, हड्डियों, दांतों और खून में भी फ्लोरीन मामूली मकदार में मौजूद होती है। हैलोजन्स का सबसे अहम और सबसे ज़्यादा मकदार में पाया जाने वाला अंसर क्लोरीन है। 1774 में शीले ने मुर्तकित हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड को गर्म करके ये गैस तैयार की। यूनानी जबान में क्लोरस जर्दी माइल सब्ज रंग को कहते हैं, लिहाजा 1810 में डेवी ने इसे क्लोरीन का नाम दिया जिसके मानी है जर्दी माइल सब्ज रंग वाली गैस। फ्लोरीन की तरह क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा अमल पजीर है और मुख्तलिफ अनासर के साथ मिलकर मुरक्केबात बनाती है। क्लोरीन के अहम मुरक्केबात पोटेशियम क्लोराइड KCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हैं। सोडियम क्लोराइड की शक्ल में क्लोरीन समंदरी पानी और नमक की चट्टानों में पाई जाती है। पाकिस्तान में ख्योड़ा के मकाम पर सोडियम क्लोराइड के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। क्लोरीन की अलामत कैपिटल CL, एटमी नंबर 17, एटमी वज़न 35.453 AMU और मास नंबर 35 है। क्लोरीन एटम के मरकज़ा में 17 प्रोटॉन्स और 17 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि 17 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब या कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 है। तजर्बागाह में क्लोरीन गैस मुर्तकित हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड या मुर्तकित सल्फ्यूरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड के आमेजे को गोल पेंदे की सुराही में गर्म करने से हासिल की जाती है। चूँकि ये गैस हवा से तकरीबन 2.5 गुना भारी है, लिहाजा इसे हवा के ऊपर के हटाव के अमल से गैस जार में जमा कर लेते हैं। सनती पैमाने पर क्लोरीन गैस हासिल करने के लिए सोडियम क्लोराइड के मुर्तकिस आबी महलूल की बर्पाशीदगी की जाती है। इस तरह सोडियम क्लोराइड अपने अज्जा यानी क्लोरीन गैस और सोडियम धात में तब्दील हो जाता है। क्लोरीन गैस मस्बत बरकीरे एनोड पर जमा कर ली जाती है और सोडियम धात पानी के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाती है। क्लोरीन गैस के कीमियाई खास कुछ इस तरह हैं। बहुत ज़्यादा अमल पजीर होने की वजह से ये मुख्तलिफ धाती और गैर धाती अनासर के साथ मिलकर मुरक्केबात बनाती है जिन्हें क्लोराइड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम और आयरन धातुओं के साथ मिलकर बिल तरतीब सोडियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड बनाती है।
इसी तरह गैर धाती अनासर मसलन हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के साथ मिलकर बिलतरतीब हाइड्रोजन क्लोराइड फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाती है। क्लोरीन गैस मुख्तलिफ मुरक्कबात के साथ भी कीमियाई अमल करती है, मिसाल के तौर पर अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद दुखान बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ मिलकर कार्बोऑक्सी क्लोराइड या फॉस्जीन गैस बनाती है। फॉस्जीन गैस बहुत जहरीली गैस है और इसे दूसरी जंग अजीम में वॉर गैस के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की नस्बत ज़्यादा ताकतवर आमिल है, इसलिए ब्रोमाइड और आयोडाइड के महलूल से आज़ाद ब्रोमीन और आयोडीन खारिज कर देती है। नाजरीन, यहाँ एक्स से मुराद ब्रोमीन और आयोडीन है। ताकतवर तकसीदी आमिल होने की वजह से तख़फ़ीफ़ी आमिल फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में तब्दील कर देती है। इसके अलावा पानी में हल होकर हाइपोक्लोरस एसिड HOCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाती है। क्लोरीन गैस के फवायद कुछ इस तरह हैं। क्लोरीन गैस पानी में हल होकर क्लोरीन वाटर बनाती है, जो जरासीम कुश महलूल और रंग काट महलूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बनाने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात, मुख्तलिफ किस्म के रंग और धमाका खेज मादे बनाने में भी क्लोरीन इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड और रंग काट सफूफ क्लोरीन के अहम मुरक्कबात हैं। आइए पहले हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में कुछ बातें मालूम करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड आम दर्ज हरारत और आम दबाव पर एक गैस है। इसका मॉलिक्यूली फार्मूला HCl है। इसके एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम पाया जाता है, यानी दोनों एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। 1772 में प्रेस्ले ने ये गैस समुद्री नमक से तैयार की, लिहाजा शुरू में इसे मैरिन एसिड गैस कहा जाता था। सनती इलाकों और ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मामूली मकदार में मौजूद होती है और फिज़ा में आलूदगी का बाइस बनती है। तजर्बागाह में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मुर्तकिस सल्फ्यूरिक एसिड और किसी धातु क्लोराइड आमतौर से सोडियम क्लोराइड को गोल पेंदे की सुराही में मिलाने से हासिल की जाती है। शुरू में कीमियाई अमल की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जो बाद में कम हो जाती है, लेकिन सुराही को गर्म करने से दोबारा मुनासिब मकदार में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हासिल की जा सकती है। सनती पैमाने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों को बाहम मिलाने से, या हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैसों को बाहम मिलाने से, या फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और पानी के कीमियाई अमल से। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पानी में बहुत ज़्यादा हल पजीर है। इसके आबी महलूल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो बहुत ताकतवर तेजाब होने की वजह से अपने आयनों यानी हाइड्रो ऑक्सोनियम आयन H3O मस्बत एक और क्लोराइड आयन Cl मनफी एक में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक तेजाबी गैस है, इसलिए मुख्तलिफ असासों के साथ मिलकर नमक और पानी बनाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड असास के साथ सोडियम क्लोराइड नमक और पानी बनाती है। इसके अलावा धाती कार्बोनेट्स मसलन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करती है। मुख्तलिफ मुरक्कबात मसलन अमोनिया के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड के सफ़ेद दुखान पैदा करती हैं और सिल्वर नाइट्रेट के आबी महलूल के साथ सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद रसूब बनाती है। क्लोरीन का दूसरा अहम मुरक्कब रंग काट सफूफ है। इसका कीमियाई नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और कीमियाई फार्मूला CaOCl2 है। रंग काट सफूफ कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड या अनबुझे चूने और क्लोरीन गैस के कीमियाई अमल से बनता है। ये सफूफ कपड़े और कागज़ की सनतों में रेशे और गूदे का रंग साफ करने के काम आता है और पीने के पानी को जरासीम से पाक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अजीज़ तलबा व तालबात,
हैलोजन्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम आपको धातुओं, चंद धातुओं की सनती अहमियत और धातुओं के भरत के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अनासर दो बड़े ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं, नंबर एक मेटल्स या धाती अनासर, नंबर दो नॉन मेटल्स या गैर धाती अनासर। धाती अनासर की खसूसियात गैर धाती अनासर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर तमाम धातें आम दर्जे हरारत और आम दबाव पर ठोस हालत में पाई जाती हैं, अलबत्ता मरकरी और गैलियम धात होने के बावजूद माया हैं। इसके बरक्स तमाम गैर धाती अनासर ठोस, माया और गैसी हालत में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फर और फॉस्फोरस ठोस हालत में, ब्रोमीन माया हालत में और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैसी हालत में पाई जाती हैं। धातुओं में एक ख़ास किस्म की चमक होती है, जबकि गैर धाती अनासर धाती चमक नहीं रखते। अलबत्ता ग्रेफाइट और आयोडीन गैर धाती अनासर होने के बावजूद धाती चमक रखते हैं। धातें बर्क और हरारत की अच्छी मुसल हैं, लेकिन गैर धातें बर्क और हरारत की नाकिस मुसल हैं। ताहम ग्रेफाइट कार्बन एटमों की ख़ास तरतीब की वजह से बर्क का अच्छा मुसल है। एंटीमनी और बिस्मत धातुओं के अलावा तमाम धातुओं को कूटकर उनके वर्क और तार बनाए जा सकते हैं। गैर धातें भुरभुरी होती हैं, लिहाजा इनके वर्क और तार नहीं बनाए जा सकते। धातुओं का दर्जा पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है, मिसाल के तौर पर कॉपर 1050 डिग्री सेंटीग्रेड पर और सिल्वर 960 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है, जबकि गैर धातें मसलन फॉस्फोरस 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर और सल्फर 113 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है। ताहम हीरा कार्बन एटमों की ख़ास तरतीब की वजह से 3750 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर उनके भरत या अलॉय बनाए जाते हैं। गैर धातुओं के भरत या अलॉय नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा हल्की धातें मसलन सोडियम और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर असासी ऑक्साइड्स बनाती हैं, मसलन सोडियम ऑक्साइड Na2O और कैल्शियम ऑक्साइड CaO वगैरह। असासी ऑक्साइड्स पानी में हल होकर मुतलका असास बनाते हैं, मसलन सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड असास में तब्दील हो जाता है। इसके बरक्स गैर धातें ऑक्सीजन के साथ मिलकर तेजाबी ऑक्साइड्स बनाती हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 वगैरह। ये ऑक्साइड्स पानी में हल होकर तेजाब बनाते हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड H2CO3 में तब्दील हो जाता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में बदल जाता है। हल्की धातें हाइड्रोजन के साथ मिलकर कम क़याम पज़ीर हाइड्राइड्स बनाती हैं, मसलन सोडियम हाइड्राइड NaH और कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 वगैरह। इसके बरक्स गैर धातें और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क़याम पज़ीर हाइड्राइड्स बनाती हैं, मसलन अमोनिया NH3 और वाटर H2O वगैरह। हल्के तेजाब धातुओं के साथ अमल करके उनके मुतलका नमकियात बनाते हैं और अमूमन हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। गैर धातें हल्के तेजाबों के साथ अमल नहीं करती और हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं करती। नाज़रीन, ये थे धातुओं और गैर धातुओं के तबई और कीमियाई खास। अब हम आपको पाकिस्तान में पाई जाने वाली चंद अहम धातुओं के बारे में बताते हैं। लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम पाकिस्तान की चंद अहम धातें हैं। लोहा हेमेटाइट ओर या आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नेटाइट ओर या मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड Fe3O4, आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड FeS की शक्ल में पाया जाता है। कॉपर की अहम कज धातें क्यूपराइट या कॉपर ऑक्साइड Cu2O और कॉपर आयरन पायराइट या क्यूप्रो फेरस सल्फाइड CuFeS2 हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धात लोहा है।
आज के सनती दौर में लोहे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह धात हर किस्म की मशीनरी में किसी न किसी सूरत ज़रूर इस्तेमाल होती है। धातकारी या मेटलर्जी उस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए कोई धात खालिस हालत में अपनी ओर्स या कई धात से हासिल की जाती है और बाद में मुख्तलिफ मुफीद कामों में इस्तेमाल की जाती है। लोहे की धातकारी के दौरान सबसे पहले खालिस लोहा हेमेटाइट ओर से हासिल किया जाता है। इस कच धात में आयरन की मकदार सबसे ज़्यादा होती है। धातकारी के पहले मरहले में 6 हिस्सा हेमेटाइट ओर और 2 हिस्सा कोक या मदनी कोयला और 1 हिस्सा चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट ख़ास किस्म की भट्टी जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं में डाला जाता है। भट्टी के निचले सिरे से बहुत ज़्यादा मकदार में बहुत गर्म हवा तेज़ी से दाखिल की जाती है जिसकी वजह से कोक या कोयला जल उठता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हरारत पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मज़ीद कार्बन या कोक के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। ये गैस आयरन ऑक्साइड के साथ मिलकर उसको आयरन में तब्दील कर देती है। पिघला हुआ आयरन भट्टी के निचले हिस्से में जमा होता रहता है जहाँ से वक्फे वक्फे से बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरी तरफ इतने बुलंद दर्जे हरारत पर चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, बुझे हुए चूने या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट मैल या स्लैग बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट मैल या स्लैग की शक्ल में पिघले हुए लोहे की सतह पर तैरता रहता है और एक अलहदा निकास से बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह से हासिल करदा आयरन पिग आयरन या ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें 3.5% कार्बन और 2% सिलिकॉन मौजूद होती है। इसके अलावा खफीफ मकदार में मैंगनीज और फॉस्फोरस भी पाई जाती है। पिग आयरन को मज़ीद सफाई के अमल से गुजार कर कास्ट आयरन और रॉट आयरन में तब्दील कर लेते हैं या मज़ीद अमलों से गुजार कर स्टील बना ली जाती है। नाज़रीन, अब हम आपको जंग और जंग से बचाव के तरीक़ों के बारे में बताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के मौसम में या आम दिनों में लोहे के बर्तनों को खुली फिजा में रखने से एक सुर्खी माइल भूरे रंग की तह जम जाती है। इसे जंग या रस्ट कहते हैं। इसका कीमियाई नाम आयरन ऑक्साइड और कीमियाई फार्मूला Fe2O3 है। जंग लगने की असल वजह लोहे और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के दरमियान नमी की मौजूदगी में कीमियाई तामुल है। जंग या रस्ट लोहे की उम्र को कम कर देती है और इसे नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह कॉपर या तांबे के बर्तनों पर नीले रंग का मादा जमा हो जाता है। ये मादा कॉपर सल्फेट कहलाता है और बहुत जहरीला मुरक्कब है। इसे आम जबान में नीला थोथा भी कहते हैं। लिहाजा धातुओं को जंगारी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी सतह को पेंट किया जाए या उनकी सतह पर तेल या ग्रीस लगाया जाए या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर भरत बनाया जाए या धातुओं की मुलम्माकारी की जाए। घरों में इस्तेमाल होने वाले तांबे और पीतल के बर्तन जब काले पड़ने लगते हैं तो उन्हें कलई कराई जाती है। इस अमल को मुलम्माकारी भी कहते हैं। मुलम्माकारी उस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए एक धात की हल्की तह दूसरी धात की सतह पर जमा दी जाती है। मुलम्माकारी दो तरह की होती है। नंबर 1 सादा या तबई मुलम्माकारी, नंबर 2 बर्की मुलम्माकारी। सादा या तबई मुलम्माकारी में बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करके गर्म किया जाता है, फिर उसकी सतह पर रुई की मदद से पिघली हुई कलई या टिन की हल्की सी तह जमा देते हैं। इस तरह बर्तन चमक उठता है, देखने में अच्छा लगता है और जंग लगने से महफूज हो जाता है। बर्की मुलम्माकारी का अमल हम एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं। फ़र्ज़ करें
के धात ए पर धात बी का मुलम्मा करना है। इस मकसद के लिए हम एक शीशे के बर्तन में धात बी के किसी नमक का महलूल लेंगे। धात बी के पतरे को अच्छी तरह साफ करके इस महलूल में लटकाया जाएगा और इसका एक सिरा बैटरी के मजबूत सिरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। यूँ धात बी का पतरा एनोड का काम देगा। धात ए के पतरे को अच्छी तरह साफ करके महलूल में लटकाया जाएगा और उसका एक सिरा बैटरी के मनफी सिरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। यूँ धात ए का पतरा कैथोड का काम देगा। बरकी रौ गुजारने पर धात बी का पतरा आहिस्ता आहिस्ता महलूल में हल होता जाएगा। इसकी मोटाई कम होती जाएगी जबकि धात ए पर धात बी की हल्की सी तह जम जाएगी। मुलम्मा कारी के बरक्स भारत साजी में दो या दो से जायद धातों को मिलाकर उनका महलूल बना लेते हैं। इस महलूल को भारत या अलॉय कहते हैं। अक्सर भरतों में चंद गैर धाती अनासर मसलन कार्बन सिलिकॉन और मैंगनीज भी मौजूद होती हैं। ये गैर धाती अनासर भरतों की मजबूती और पायदारी में इजाफा करते हैं। चंद अहम भरतें स्टेनलेस स्टील ब्रास ब्रॉन्ज जर्मन सिल्वर निक्रोम और सोल्डर हैं। स्टेनलेस स्टील लोहे की अहम भरत है। इसमें 90 से 95% आयरन और 5 से 10% निकल या क्रोमियम मौजूद होता है। ये भरत घरेलू इस्तेमाल के बर्तन मशीनी पुर्जे और आलात जर्राही वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। कॉपर या तांबे की अहम भरत ब्रास या पीतल है। इसमें 60 से 80% कॉपर और 20 से 40% जिंक मौजूद होता है। ये भरत पानी के नलके बहरी जहाज़ों के हिस्से और आराइश का सामान बनाने के काम आती है। कॉपर की एक और भरत जर्मन सिल्वर कहलाती है। इसमें 60% कॉपर 25% जिंक और 15% निकल पाया जाता है। ये भरत मुख्तलिफ किस्म के आराइशी सामान और घरेलू इस्तेमाल के बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है। कॉपर की एक और अहम भरत कांसे या ब्रॉन्ज है। इसमें 87% कॉपर 12% जिंक 1% टिन पाया जाता है। ये भरत तमगे और कप्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है। सोल्डर लेड या शीशे की भरत है। इसमें 67% लेड और 33% टिन पाया जाता है। ये भरत दीगर धाती अनासर को टांका लगाने के काम आती है। निकल की अहम भरत निक्रोम कहलाती है। इसमें 62% निकल 15% क्रोमियम और 23% आयरन पाया जाता है। ये भरत स्त्रियों हीटरों और सोल्डरिंग बार्स वगैरह में हरारती एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन, ये थी धातों उनकी कज धातों और भरतों के बारे में कुछ मालूमात। आइए देखते हैं कि धाती और गैर धाती मुरक्कबात का आमेजा सीमेंट क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। आम सीमेंट आबी या हाइड्रोलिक सीमेंट कहलाती है। सीमेंट के माने हैं जोड़ने वाली चीज़। ये एक स्लेटी रंग का नहायत बारीक सफूफ है जो इमारतें डैम पुल वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आम सीमेंट की तैयारी में 70% चूने का पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट 25% आला किस्म की चिकनी मिट्टी जिसमें एलुमिना Al2O3 सिलिका SiO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मुनासिब मकदार में मौजूद हों और 4 से 5% जिप्सम की ज़रूरत होती है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैट्रिक केमिस्ट्री के सिलसिले का 10वां प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचा। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको 7वें ग्रुप के गैर धाती अनासर हैलोजन्स के बारे में बताया। इसके अलावा
सबसे अहम हैलोजन यानी क्लोरीन और उसके अहम मुरक्कब हाइड्रोजन क्लोराइड की तैयारी, कीमियाई खास फवायद और रंगकार सफूफ के बारे में भी गुफ्तगू हुई। इसके अलावा धातु, धातकारी, मुलम्माकारी, भारत साजी और तर तरीके से सीमेंट की तैयारी के बारे में भी बताया गया। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम्स आपके लिए अपना दर्सी मवाद समझने में अच्छे मददगार साबित हुए होंगे। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।